को मैं मत्तु केवट, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गोबर के उपले कैसे बनते हैं देखिए। तो गांव की महिलाएं जो हैं बड़ी मेहनत से देखिए किस तरह से गोबर के उपले को बनाती हैं, और इन उपलों का उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइन से इन उपलों को बनाया गया है, और मैं आपको प्रत्यक्ष अब इसको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइन से इन उपलों को, इसको क्या कहते हैं, गोइठी या गोहरा कहते हैं, गोहरा कहते हैं। ये बड़े आकार का है, और एक महिला है देखिए किस तरह से इसको कलाकारी से इसको बना रही हैं। बनाने के बाद इसको लाइन से भी रख रही हैं, और ये देखिए किस तरह से बना रही हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, गोइठा, इसको गोइठा थापना कहते हैं। और देखिए किस तरह से कारीगरी से, और ये देख सकते हैं आप ध्यान पूर्वक किस तरह से ये महिला जो हैं बना रही हैं। ये हाथों में इनकी कारीगरी है ये, और इसको लाइन से ऐसे रखते चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने लाइन से ऐसे रखा है, और इसको धूप लगने पर जगह ना होने की वजह से, यहाँ बगीचा है और आसपास धूप बराबर आती नहीं है, अगल बगल खेतों में पानी भरा हुआ है, जगह ना होने की वजह से इन्होंने क्या किया है, इसमें गोबर में गाय और भैंस के गोबर को इस तरह से इसमें पुआल को डाल करके, और बहुत अच्छे तरह से देखिए किस तरह से इसको छापती हैं। ये देखिए अब इसको ऐसे रख रही हैं, ये रखने की भी कला है, लाइन से इसको रखा गया है, और इसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाएगा। भोजन पकाने के लिए चूल्हा जो है उसमें इसको जलाया जाएगा, जलाने के बाद उस पर भोजन पकाया जाता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि गांव की महिलाएं जो हैं कितनी मेहनत से उपलों को बनाती हैं, बनाने के बाद उसका भोजन करने में चूल्हे में जलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये हमारा यहाँ हवाई महल है, पर है इसमें चारों बाजू से हवा आती है, तो इसलिए इसका नाम हवाई महल कहते हैं। आप लोगों ने हवाई महल नहीं देखा होगा, देखिए किस तरह से बना हुआ है। करने वाले हैं इसके अंदर, इस तरह से हम जाएंगे और देखिए इसको किस तरह से बनाया गया है। इसके चारों बाजू से हवा आती है, जब इसमें हम सोएंगे खाट डाल करके, यहाँ जो ये है खाट रखी हुई है, ये खाट यहाँ पर है, इसमें इस तरह से। तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से गांव में लोग रहते हैं, गांव का परिसर किस तरह से है। तो इसे मड़ई कहते हैं या छप्पर भी कहते हैं, इस तरह से इसे बनाया गया है। दो ओट इसको लगाया गया है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। टिटेरी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। उपले किस तरह से बनाते हैं, जिसे गोबर के गोइठा कहते हैं। तो नमस्कार सभी को, गोबर से गोइठा बनता है, और इसका उपयोग गोबर गैस के रूप में भी किया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये महिला जो हैं कितनी मेहनत से इन उपलों को बना रही हैं। मौसम ठंडा है, चारों बाजू शीत पड़ रही है। अरे अब बन रहा है, तो उन उपलों को जो है इस चूल्हे में लगाया जाता है, और इसके माध्यम से ही भोजन को यहाँ पकाने का काम चलता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस चूल्हे पर भोजन को पकाया जा रहा है।